बसविल रिम्मद वाले महमद्दुम एस्ट्रॉजर अली जानी ए क्यू टी वी से वीकली हरस्कोप के साथ आपकी खिपत पे हाज़िर हूँ नाजीन ए क्यू टी वी के बैनर के अंडर ए क्यू शॉपिंग का आगाज़ हो चुका है और आप लोग इससे मुस्तित हो सकते हैं जम स्टोन के हवाले से ख़ास पर बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जिनको पहली बात कि मालूम ही नहीं होता कि कौन सा जैम स्टोन उनको कैरी करना है कौन सा किस वक्त और कौन सा बेनिफिशियल जो स्टोन है वो लेके यूज़ करना है इस हवाले से भी आप लोग रहनुमाई ले सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह कि अगर आपको कहीं से भी असली और मुस्तैन नगीन नहीं मिलते तो आप एक ही शॉपिंग से रबता कर सकते हैं वो लोग इस हवाले से अपनी खदम्त जो हैं वो दे रहे हैं फिर इसके बाद ये वीक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीक में जजवी शमसी ग्रहण भी है इस हवाले से मैं आप लोग को बताऊँगा जंजानी जंतरी दो हज़ार बीस इमामिया जंतरी दो हज़ार बीस तकवीम दो हज़ार बीस और जून का शुमारा जो है अब तो बल्कि जुलाई का शुमारा भी आ चुका है आप उसकी अगर पी डी एफ़ फ़ाइल मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पी डी एफ़ फ़ाइल मंगवा सकते हैं इस्ट्रॉजी की क्लासेस बड़ा इम्पॉटेंट और जनाब सबसे ज़्यादा इंफॉमेटिव सब्जेक्ट यही है क्योंकि मुझे इतनी कॉल्स आती हैं कि जानी सब हम एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं आप लोग भी अगर इल्म नजूम से दिलचस्पी रखते हैं इसको सीखना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का एडमिशन जो है ख़ास तौर पर वो ओपन हो चुके हैं Uh, क्योंकि जनवरी 2021 में इस सेशन का आगाज़ हो जाएगा छः माह का ये कोर्स होगा और इसके हवाले से इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी मौजूद हैं आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आप जो है ऑनलाइन सेशन के थ्रू भी इसका हिस्सा इन शाह बन सकते हैं नाजरीन इस साल का पहला जजवी शमसी ग्रहण जो है वो 21 जून 2020 को होगा ये ग्रहण बुरज सरतान के सिफर दर्जे और 21 धकीके पर लगेगा ग्रहण का आगाज़ 21 जून को सुबह आठ बजकर पैंतालीस मिनट पर होगा जब यह नज़र आना शुरू हो जाएगा वो वक्त होगा नौ बजकर पैंतालीस मिनट का ग्रहण का इंतहाई नुक़रू जो है वो ग्यारह बजकर चालीस मिनट पर होगा और ग्रहण का नज़र आना जो जारी रहेगा वो एक बजकर बत्तीस मिनट तक जारी रहेगा जबकि ग्रहण का जो अख्ताम है वो दो बजकर चौंतीस मिनट पर दोपहर को होगा ग्रहण का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में देखा जा सकेगा जबकि सबसे ज़्यादा ग्रहण का हिस्सा हैदराबाद सखर से लेकर रहीम यार खान सादकाबाद में देखा जा सकेगा जबकि पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में ग्रहण का कम हिस्सा दिखाई देगा कांगू अफ्रीका से ग्रहण का आगाज़ होगा जो कि चीन के समुद्री इलाकों में जाकर ख़त्म होगा ग्रहण पाकिस्तान इंडिया अफ्रीका एथोपिया चीन में ज़्यादा वाज होगा जबकि अफ्रीका सोडान अरीथिया, यमन उमान अरब अमारात नेपाल भूटान चीन हांगकांग ताइवान में इंतहाई कम जजवी ग्रहण दिखाई देगा ग्रहण का कुल दुरानिया पाँच घंटे और फोटी नाइन मिनट पर जनाब होगा बड़ा लंबा ये ग्रहण है और इस ग्रहण के हवाले से तमाम जोटिक साइंस ने कौन कौन से सदक़ात देने हैं इस हवाले से हर साइन के अख्ताम पे मैं आप लोग को बताऊंगा आइए बढ़ते हैं बुरजमन एरीज की जानब पोहल एरीज 21 जून से लेकर 27 जून तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा स्क्रीन पे जाएचा जो है वो आप लोग मुलायजा फरमा रहे हैं नाजरीन जैसे कि इस वीकली और स्कोप के आगाज़ में मैंने बताया था कि इस वीक के आगाज़ में ही 21 तारीख को ग्रहण लगने वाला है और जनाब ग्रहण कहाँ कहाँ पे होगा किस हिसाब से होगा इस हवाले से मैं आप लोग को बताऊंगा लेकिन एक चीज़ का आप लोगों ने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि एंड पे जो भी सदका आपको बताया जाए उसको आपने बेहतर अंदाज में फॉलो करना है इस वीक का आगाज़ जो है ग्रहण ख़ास तौर पे आपके जो अजदवाजी सुख घर का सुख और जहनी सकून को डिस्टर्ब करता हुआ दिखाई देता है मृझोमल एरीज़ वालों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है अपने फैमिली के मामलों को देखते हुए घर में किसी भी किस्म की बदमजगी है नाराज़गी है कोशिश करें कि बैसों मबाइसे से परहेज़ करें आप अगर बड़े हैं अपने बच्चों के साथ अपने ताल्लुक़ को ठीक रखें अगर वो कोई नालायकी या नादानी करते हैं तो ये समझाना उनको आपका फ़र्ज़ है ना कि ख़ुद से आप इश्तालेज़ हो जाएँ और अपने घर की चीज़ों को तहस नहस कर दें और उसके बाद घर से रूट कर कहीं बाहर या दूर चले जाएं और ये याद रखिएगा आपको मनाने कोई नहीं आएगा आप जब ख़ुद थक हार जाएंगे उसके बाद आपको ख़ुद से वापस आना पड़ेगा उसके बाद इस ग्रहण के असरात इस वीक में ज़्यादातर आप लोगों के जो फाइनेंशियली मामलत हैं उनको भी डिस्टर्ब करते हुए दिखाई देते हैं कि अखराज में इजाफा और बेयकीनी की कैफियत में आप लोग इस वीक में मुबतला रह सकते हैं मोहब्बत के मामलों में तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है क्योंकि मोहब्बत के मामलों में भी कोई ख़ातर खवा कामयाबी ऐसा मिलती हुई दिखाई नहीं देती रोज़मर्रा रूटीन के मामला इस ग्रहण के गुजरने के बाद अगर मैं देखूं तो तेईस तारीख़ से कुछ मामला कदर बेहतर आपके होते हुए दिखाई देते हैं जिसमें कारोबारी अफराद के लिए बहुत सारे मामलों बेहतर हैं फिर उसके बाद असदवाजी ज़िंदगी का सुख जो है वो वापस से बहाल या बेहतर होता हुआ दिखाई देता है आपकी अपनी जो सोच है उसमें काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देती है नेगेटिविटी का जो पहलू है वो काफ़ी हद तक आपके जहन से निकल चुका होगा और आप अपने मामला को बेहतर अंदाज़ में समझते हुए अपना कर उनको करते हुए दिखाई देते हैं वो लोग जो बैरून मल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं आप लोगों के लिए कदरे इस वीक में आसानियाँ इस अंदाज़ में हैं कि आपका प्लान और प्रोग्राम जो है वो किस, किसी हतमी नतीजे पर पहुँचता हुआ दिखाई देता है ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी रहेंगी और जो भी काम आपको दिया जाए वो वक्त पे करना ही आपके लिए मुनासिब रहेगा क्योंकि इस वीक में कोई भी काम आप अधूरा छोड़ देते हैं उसको नामुकम्ल रखते हैं तो जनाब आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा होना शुरू हो जाएंगी। इस वीक के आगाज़ में जो पहले दो दिन हैं इक्कीस और बाईस तारीख इसमें किसी के साथ कोई एग्रीमेंट हो माहिदा हो खरीदो फरोख्त के मामलात हैं कानूनी मामलात हैं कोई लीगल डीट्स हैं बैंक ड्राफ्ट हैं आपने हर लिहाज से एहतियात करनी है जितना ज़्यादा आप इस तरफ जाएंगे तो उतना ज़्यादा समझे हम घाटे का सौदा करेंगे अव्वल अपने जो इल्मी काबिलियत है उसमें इजाफ़ा कीजिए क्योंकि कम उम्र जितने एरीज़ हैं 25 साल से कम उम्र के उनकी सिक्स सेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी और बल्कि इस वीक के अख्ताम में अगर आप किसी भी काम का आगाज़ करते हैं वो आपके लिए काफ़ी बेहतर है छब्बीस और सत्ताईस तारीख़ इस हवाले से बहुत अहम है हेल्थ के मामल अलहमदिल्ला ठीक रहेंगे सेहत के हवाले से कोई इतनी ज़्यादा फ़िक्रमंदी जो है वो दिखाई नहीं देती और उन लोगों के लिए इस वीक में खुशखबरी भी है जो रिस्क रोजगार के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद और परेशान दिखाई देते थे कि आपको नौकरी के हसूल में इस वीक के अख्ताम में आसानियाँ मिलती हुई दिखाई देती हैं अल्लाह ताला का एक नाम है या शहीद हो इसको तीन सौ उन्नीस दफ़ा आपने पढ़ना है अब आख़िर चौदह चौदह दफ़ा दरूद पाक के साथ और इस वीक में सुरख रंग का सदका हजब तोफ़ीक लाजमी दीजिएगा और सूरज ग्रहण के हवाले से अगर आप नमाज कसूफ पढ़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कीजिए जनजानी जंतरी और बारह इमामिया जंतरी आप मंगवा कर उसका जो तरीकाकार है वह आप पढ़ सकते हैं आइए गुफ्तु करते हैं बुरजो और के बारे में बुरजोसौर टॉरिस 21 जून से लेकर 27 जून तक ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा स्क्रीन पर जाएचा आप लोग मुलायजा फ़रमा रहे हैं और आगाज़ में जिस तरह मैंने बताया था कि ग्रहण भी है ग्रहण के हवाले से क्या सेफ्टी प्रिकॉशनस आप लोगों ने करने हैं सबसे पहली बात यह कि इक्कीस तारीख को चूँकि ग्रहण है इसके अंदर ख़ास तौर पर आप लोगों ने अवॉइड करना है अगर किसी काम की वजह से या मजबूरी के तहत आपको ट्रैवल करना पड़ता है सफ़र बहुत अशद ज़रूरत है कि उसके बिना आपके काम अधूरे हैं तो अपना सदका ज़रूर दीजिएगा जब भी घर से निकलें काम के लिए निकलें और अभी एंड पे मैं आपको सदका और अल्लाह ताला का एक नाम भी बताऊंगा उसको भी अपनी ज़ुबान पे रखिएगा क्योंकि ग्रहण की वजह से आप के जितने भी मामलात हैं या जिस भी काम के लिए आप जाते हैं उसमें तखीर दिखाई देती है ये कैफ़ियत तेईस तारीख तक तो रहेगी कि आपने ख़ास तौर पर अवॉइड करना है अगर कोई ज़रूरी नहीं है तो आपने ना तो कुछ सैर व तफरी का प्लान बनाना है ना दोस्तों के साथ ना फैमिली के साथ घर में रह कर ही या अपने काम में मसरूफ़ हैं तो उसको ही आप बेहतर अंदाज़ में निपटाने की कोशिश करें क्योंकि इस वीक में होगा ये कि आप जितनी भी मेहनत करेंगे उसका फल उसका सिला रिवॉर्ड शायद उस तरह से ना मिले जिस तरह से आपकी ख़्वाहिश है या आप ख्वाहिश रखते हैं छोटे बहन भाइयों के साथ इख्लाफा पैदा हो सकते हैं कम उम्र या हम उम्र आपके जो रिश्तेदार हैं वो भी आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं पड़ोसियों के साथ ताल्लुक़ ख़राब हो सकते हैं और पड़ोसियों से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके घर में जो नेबर्स में रहते हैं सिर्फ वही पड़ोसी हूँ आपके ऑफिसिस पे भी आपके साथ कोई और ऑफिस है उनके साथ भी आपके ताल्लुक़ ख़राब हो सकता है तो आपने हर जगह जो है थोड़ा सा इसका ख़्याल रखना है फिर गुफ्तु करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा अल्फाज का चुनाव बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी सच्ची अच्छी गुफ्तु को गलत रंग देने की कोशिश की जाएगी जिसकी वजह से आप आ, जो है मजबूर होंगे कि थोड़ा सा मायूसी की कैफियत में मुबला हों और उसके बाद नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आपके जहन में आना शुरू हो जाए और इन फ्यूचर आप फिर सबको ही शक् नगाह से देखना शुरू हो जाए तो इस वीक में अपनी बातें दिल की बातें अपने तक ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है हर किसी के साथ दोस्तों के साथ या कज़न्स के साथ करने की ज़रूरत नहीं है फिर घर वालों का साथ इस वीक में रहेगा तेईस तारीख के बाद मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे मामला आपके अलहदुल्ला बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इस वीक में की, की गई मेहनत का फल इस वीक के एंड में आपको डेफिनेटली मिलेगा आखिरी जो दो दिन हैं छब्बीस और सत्ताईस जून ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कारोबारी अफराद हैं आप लोग के लिए ये वीक बड़ा बेनिफिशल रहेगा लेकिन जिनके छोटे बिजनेसेस हैं छोटा कारोबार है आप लोग के लिए ये वीक इतना ज्यादा बेहतर नहीं है और ना ही इसमें को काम बेहतर अंदाज में चलते हुए दिखाई देते हैं बल्कि धोखाधड़ी का अंदेशा फ्रॉड का अंदेशा आपको मिस गाइड करके चीटिंग का अंदेशा भी है और ये को ग़ैर लोग नहीं होंगे आपके अपने ही कोई आपके साथ धोखा दही कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा मोहतात रहना है वालदे से फ़ायदा ज़रूर होगा बच्चों की तरफ से सुख मिलता हुआ दिखाई देता है अजदवाजी ज़िंदगी का सुख रहेगा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस वीक में बहुत अच्छा है अच्छा जितनी ख़राबियाँ मैंने पहले गिनवाई हैं इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी होने जा रही है कि फाइनेशली मामला जितने भी हैं वो आपके बिगड़ेंगे नहीं वो अपने आ, आ, अपनी जगह पे बिल्कुल बेहतर बेहतर महफूज और अंदाज में ही चलते रहेंगे कि आपको फाइनेंशली तौर पे इतनी ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है अपनी काबिलियत पे भरोसा सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा इस वीक में दिखाई देता है अल्लाह तला का एक नाम है या राफ़िओ इसको थ्री टाइम्स आपने पढ़ना है अवल आखिर चौदह चौदह दफा दरूद पाक के साथ और पीले चीज़ों का सदका लाजमी इस वीक में निकालिएगा हसब तोफ़ी जितना भी हो सके ज़रूर निकालें किस तारीख को और जो नमाज कसूफ पड़ी जाती है सूरज ग्रहण के लिए उसका तरीक़ाक आपको नहीं मालूम आप स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप करें आपको जंजानी जंतरी या बारह मामिया की पीडीएफ मिल जाएगी उसमें उसका तरीक़ाकार दर्ज है आइए गुफ्तु करते हैं बुर जवजा के बारे में बुरजा जब मनाए इक्कीस जून से लेकर सत्ताईस जून तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा स्क्रीन पर इस वक्त झाएचा आप मुलाजा फरमा रहे हैं और मैंने आगाज़ में जिस तरह बताया था कि सूरज ग्रहण भी है और कुछ मामला में थोड़ी सी एहतियात करनी है ख़ास तौर पर इक्कीस और बाईस तारीख को बुरज जवज़ा वालों को जो सबसे पहले एहतियात है वो इन्होंने नज़र रखनी है अपने पैसे के ऊपर अपने दौलत के ऊपर आपका पैसा किसी भी वजह से कहीं ना कहीं फंस सकता है किसी गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो सकती है या आपसे कोई ले जाएगा और उसके बाद आपको वापस नहीं करेगा तो बेहतर है कि इन दो दिनों में फाइनेंशियली तौर के ऊपर कोई भी बड़ा डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी काम का अगर आगाज़ करते हैं उसमें किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो तेईस तारीख के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पहले दो दिन बिल्कुल मत कीजिएगा वरना नुकसान का अंदेशा है कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा महतात तलब है कि कारोबारी मामलों में आपने हर क़दम फूक फूक कर रखना है और अपने चलते हुए कामों को ही आपने बेहतर करना है जैसे कि मैंने पहले बताया कि अभी किसी भी नए काम के आगाज़ का बेहतर वक्त नहीं है ये सिर्फ कारोबारी मामला में नहीं आप किसी से को रिश्ता जोड़ना चाहते हैं किसी को मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं या पहल कर रहे हैं किसी के साथ ताल्लुक़ बेहतर करने के लिए इस वीक में जिनके साथ आपने ताल्लुक़ ख़त्म करना है ताल्लुक़ ख़त्म करने के लिए बेहतरीन वीक है आपने कोई काम चल चल रहा है आपको उसमें मुनाफ़ा नहीं हो रहा उसको आप बंद करना चाहते हैं उसके लिए बेहतरीन वीक है कि आप ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में ख़राबियाँ पैदा हो रही थी आप अपनी उन आदात से परेशान थे जिनकी वजह से दूसरे आपको बेहतर नज़र से नहीं देखते थे किसी भी चीज़ को तर्क करना आपकी जात में आगे चल के फ़ायदा दे सकता है कि मुस्बत आदात को अपनाना नेगेटिव आदात को अपने अंदर से निकालना इसमें आपको जरूर इस वीक में फ़ायदा होगा आपका तेईस तारीख़ के बाद अगर मैं वीक देखूँ तो इसमें एक तो सेहत पर थोड़ी सी तो लाजमी देनी है अपनी लाइफ पार्टनर की सेहत पर भी तोज्जो देनी है बच्चों के मामल में बहुत ज़्यादा संजीदा रहना है और घर के जितने भी अमूर हैं उसमें दिलचस्पी लाजमी लेनी है क्योंकि घर की तरफ से अगर आपकी लापरवाही होगी गफलत होगी तो आपको कुछ तनकीदी जुमलों का सामना भी रह सकता है शर्क हयात के साथ आपका ताल्लुक इस वीक में कदरे बेहतर रहेगा और आपस में प्यार मोहब्बत की गुफ्तु करते हुए दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स के लिए यह वीक इतना ज़्यादा अच्छा और बेहतर नहीं है इसके साथ कामयाबी की अगर मैं बात करूँ तो जो भी काम आप करेंगे अगर उसमें वक्ती तौर के ऊपर कोई ताखिर डिले का शिकार आप होते हैं तो आगे चल के आपको ज़रूर फ़ायदा होगा अपने जितने भी इंपॉर्टेंट काम हैं वो वैसे भी आपने तेईस तारीख़ के बाद ही प्लान करने हैं क्योंकि दोस्तों के साथ भी ताल्लुकात इस वीक में कुछ इतने ज़्यादा मुनासिब और बेहतर नहीं हैं उन लोगों के साथ जिनसे आप अपनी राज की बातें करते हैं उनके साथ की गई बातें भी बाद में पुशमानी का बायस बनेगी रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक बिगड़ते हुए नज़र आते हैं गु़स्से के अंदर किसी को कुछ भी कह देंगे जिससे किसी की दिल आज़ारी भी हो सकती है तो सोच समझ कर गुफ्तु को करनी है बहस वबाही से परहेज़ करना है लड़ाई झगड़े से परहेज़ करना है वालदेन के जो दोस्त हैं उनके साथ भी बड़े एहतियात के साथ चलना है और अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ भी ताल्लुक़ को बड़े आ, आ, अच्छे तरीके से चलाना है वरना बड़ों की तरफ से आ, कोई भी ऐसी चीज आपको सुनने को मिलेगी जिससे आपका मूड थोड़ा सा ऑफ होगा सर दर्द की शिकायत रहेगी सेहत के मामलत पर तोज् लाजमी आप लोगों ने देनी है अगर आपको किसी भी वजह से ट्रैवल करना पड़ता है तो उसमें थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा अवॉइड कीजिएगा चीज़ों को क्योंकि आपका जो सफ़र है वो आपके लिए कुछ इतना ज़्यादा बेनिफिशल नहीं रहेगा ये वीक अपने अंदर मौजूद सालाहितों को उजागर करने का बेहतर करने का वीक ज़रूर है उन कमियों को पूरा करने का वीक है जिससे आगे चल आपका मुस्तकबिल मुनसलिक है जुड़ा हुआ है तो थोड़ा सा अपने आप को फॉलो करते हुए अपनी चीज़ों को दुरुस्त कीजिएगा इसके अलावा जो पूरा वीक है वो थोड़ा सा एहतियात तलब ही आप रहें तो ज़्यादा बेहतर है अल्लाह ताला का एक नाम है या तोावो इसको चार सौ नौ दफ़ा पढ़ेंगे अवल आखिर चौदह चौदह दफ़ा दरूद पाक के साथ काले रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर दीजिएगा और सूरज ग्रह के हवाले से अगर आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं उसका क्या तरीक़ाकार है आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं उस पर व्हाट्सअप करके पी डी एफ़ फ़ाइल मंगवा सकते हैं जनजानी जंतरी और बारा इमामिया की उसमें तमाम इसका जो तरीक़ाकार है वो दर है आइए बात करते हैं बुरजे सरतान कैंसर की बुरज सरतान कैंसर 21 जून से लेकर 27 जून तक ये वीक आप लोग का कैसे रहेगा स्क्रीन पे जायचा आप लोग मलहजा फरमा रहे हैं और जायचे में आप लोग देख सकते हैं स्टार्स की पोजीशन क्या है आ, मैंने आगाज़ में बताया था कि इस वीक में लगने वाला जो ग्रहण है आ, उसकी 21 तारीख की डेट है और बुरज सरतान में लगने जा रहा है तो जनाब बुरज सरतान आप लोग का बुरज है आप लोगों के लिए तो ये पूरा का पूरा वीक बहुत ज़्यादा एहतियात से भरा है सबसे पहली बात ये कि आपको ज़हनी तौर के ऊपर मुंतशर करेगा इश्त अंगेज़ करेगा गुस्सा दिलाएगा सोचने समझने की सलाहित को मुतािर करेगा अगर आप अपने घर से दूर हैं तो अपने घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आपको सताएगी या घर वालों से भी दूर आपको करता हुआ नज़र आता है दोस्तों से दूर करता हुआ नज़र आ रहा है कि बिल्कुल तन्हाई की तरफ आपको लेकर जाएगा और तन्हाई में इंसान डिप्रेशन के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं करता एक चीज़ पूरे वीक में अच्छी है कि जैसे ही 21 और 22 तारीख को इस ग्रहण के मामला सिमटेंगे तो आपके जो दीगर मामला हैं उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी लेकिन आप लोगों ने ख़ास तौर पर एहतियात करनी है कि इस पूरे वीक में किसी भी काम की इब्तदा आगाज़ नहीं करना इस वीक में किया गया कोई भी माहदा किसी भी काम का आगाज़ चाहे आप शादी का मामला है किसी के साथ को बात पक्की करनी है कुछ चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं हर लिहाज से आपने इस वीक को अपनी ज़िंदगी में एज अ तजर्बाती वीक लेना है बल्कि ना इस वीक में कुछ जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना क्योंकि कारोबारी अफराद के लिए भी इस वीक में कुछ इतनी ज़्यादा बेहतरी नहीं है काम स्लो हैं तेज़ी दिखाई नहीं देती फिर इसके बाद फाइनेशली तौर के ऊपर मामला देखूँ ये अलहमद आपके इस वीक में बेहतर रहेंगे इसके अलावा आप अपनी ज़ात से मुतमिन दिखाई नहीं देते अपने आप से नाउमीद हैं परेशान हैं अपने आप को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं मोहब्बत के मामले में भी कोई इतनी ज़्यादा ख़ातर ख्वा कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आती लेकिन एक ताल्लुक़ है अजदवाज ज़िंदगी मैरिटल मामला वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके अच्छे रहेंगे आपकी वजह से मे भी शायद आजवाजी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आए लेकिन आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपके लिए पूरा कंफर्ट जोन जो है वो रखेगा कि आप अपने आप को बेहतर रखें ठीक रखें ताकि आप जिस भी जहनी कैफियत का शिकार हैं उसमें कोई परेशानी ना हो सके ख़ास तौर पे अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा बच्चों की वजह से कुछ हद तक कोई फ़िक्रमंदी लाख हो सकती है उनकी तालीम तरबियत हो उनके दोस्त हैं वो किन से मिलते हैं क्या करते हैं ये आपने लाजमी करना है और उनको प्यार से समझाना है उनके साथ डांड डपट नहीं करनी वैसे भी बुरज सरतान वालों का मिजाज डांड डपट वाला कभी भी नहीं होता हमेशा ये दूसरों को सिखाने वाले बताने वाले होते हैं यही अमल आपने अपने बच्चों के साथ ताल्लुक़ में भी रखना है मख्फी आलू में जितनी मर्ज़ी आप दिलचस्पी लेंगे कोई चीज़ बेहतर नहीं है छठी हिस भी आपका साथ नहीं देगी ख़ुद के किए गए फैसले आपके लिए ख़राबी का बायस हो सकते हैं दूसरों के साथ मशवरा करके अपनी ज़िंदगी के बेहतर मामलों को प्लान करने की अगर कोशिश करते हैं तो दूसरों की मुशावरत आपके लिए फायदेमंद हो सकती है शॉपिंग के ऊपर भी तवज्जो रहेगी अखराज में भी इजाफा होता हुआ दिखाई देता है और ज़रूरी काम से आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा उसके बाद ख़रीदो फरोख्त अगर करते हैं इसके अंदर अगर आपको रिटर्न एग्रीमेंट कर लेते हैं लिखत पढ़त करते हैं तो फिर कुछ हद तक फ़ायदा दिखाई देता है किसी चीज़ का ट्रांसफ़र है तबादला है कोई नौकरी छोड़नी है उसमें आसानी रहेगी किसी नई जगह पे जाना है उसको अपनाना है वो आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल रह सकता है कि ऐसे चलते हुए काम जिनसे आप मुतमिन नहीं थे रिलैक्स नहीं थे वो इस वीक में आपकी ज़िंदगी से निकलेंगे और नई चीज़ें नई एक्टिविटीज़ आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होती हुई दिखाई देती हैं अल्लाह ताला का एक नाम है या मुमीत हो इसको आपने पढ़ना है 455 दफ़ा अव्वल आखिर चौदह चौदह दफ़ा दरूद पाक के साथ और काली चीज़ों का सदका हजब तोफ़ी ज़रूर दीजिएगा और सूरज ग्रहण के हवाले से जो नमाज आयात पढ़ी जाती है उसका जो तरीक़ाकार है अगर आप जानना चाहते हैं स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज कीजिए आपको पीडीएफ आ जाएगी उस उसको देखकर आप ये नमाज आयात पढ़ सकते हैं आइए बढ़ते हैं बुरज लियो की जानब अब हम बात करते हैं बुरज असद लियो के बारे में 21 तारीख से लेकर 27 जून तक ये वीक कैसा रहेगा स्क्रीन पे जाए आप लोग मुलाजा फरमा रहे हैं जैसे कि आगाज़ में मैंने बताया था कि शमसी ग्रहण भी है उस हवाले से कुछ थोड़ी सी प्रिकॉशन्स भी करनी है और क्या असरात मरतब होंगे इस ग्रहण की वजह से आप लोगों के ऊपर बुरज असद वालों को ख़ास तौर के ऊपर अपने फाइनेसिस के ऊपर तोज्जो देने की ज़रूरत है क्योंकि इस ग्रहण की वजह से स्टास की जो पोजीशन है इसमें ऐसा मालूम होता है कि अखराज एक में एकदम से बेपनाह इजाफ़ा हो सकता है या धोखा दही का अंदेशा देखा जा रहा है कि कोई शख्स आपसे पैसे लेकर गायब हो सकता है उसके बाद उसकी तलाश एक नया मिशन जो है वो बन जाएगा आप लोग के लिए हसत करने वाले अफराद आपके लिए परेशानी का बाइस बनेंगे ज़हनी कैफियत में अगर मैं देखूँ तो तन्हाई का शिकार दिखाई देते हैं अकेलेपन का एहसास होगा और तमाम दुनिया की खदमत करते हुए ये महसूस होगा कि जब हमें ज़रूरत है तो हमारे साथ कोई भी नहीं है जहनी इस तरह आपकी कैफ़ियत में मुबतला रहेंगे आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी सेहत को भी ख़राब कर सकता है इस वजह से उनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा आपने तवज्जो देनी है इख्तलाफात का अंदेशा है जुदाई का अंदेशा है कोई अपना प्यारा आपसे रूठ सकता है दूर जा सकता है और उसका को बदल जो है वो भी फिर हासिल नहीं होगा तो अपने ताल्लुक़ को निभाना ये आप लोगों की अवलिन ज़िम्मेदारी होनी चाहिए इस वीक के पहले दो दिन तो जनाब बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है लेकिन तेईस तारीख़ के बाद से ही अगर मैं देखूँ तो मामला काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ़ जाना शुरू हो जाएंगे जिसमें सबसे इम्पॉटेंट चीज़ कि आपकी जहनी कैफियत जो है वो बेहतर होना शुरू होगी कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ख़ुदातमादी में इजाफ़ा और मिलने जुलने वाले अफराद के साथ तल्लुक पहले की नस्बत बेहतर दिखाई देते हैं दोस्तों के साथ तल्लत भी बेहतर रहेंगे और 23 तारीख़ से लेकर 27 तारीख तक दोस्त आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं 23 तारीख से लेकर 27 तक कारोबारी मामल भी काफ़ी हद तक अरूज पर रहेंगे कि कारोबार में मुनाफा फ़ायदा या तेज़ी के हवाले से मामला देखे जा रहे हैं इलमी काबली में इजाफ़ा होगा कुछ चीज़ें जो आपने माजी में गलतियाँ जो की हैं उनको सीखने का मौका मिलेगा इस वजह से आ, खुद आ, जो है अप कोशिश अपनी मददात के तहत आप उन मामला को संजीदगी से देखेंगे जो आपके वहमो गमान में भी, भी नहीं थे और अचानक से आपको उनका सामना करना पड़ा और उसके बारे में आप कम इल्म थे अब आप तैयार हैं कि इन फ्यूचर कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो उसके लिए हम तैयार रहें ट्रैवल के दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है सफ़र के दौरान कुछ मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है सेहत के मामला आपके तो इस वीक में बहुत अच्छे हैं कि आपकी सेहत पहले के नस्बत अच्छी और बेहतर दिखाई देती है अजवाजी ज़िंदगी का सुख इस वीक में रहेगा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है वो इस वीक में बहुत अच्छा दिखाई देता है फैमिली के सपोर्ट ताउन भी रहेगी अगर आप पराए लोगों पे ज़्यादा एतबार करते हैं तो कोशिश करें इस वीक में जो आपके अपने फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा एतबार करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा औलाद की तरफ से कुछ फ़िक्रमंदी लाक हो सकती है लेकिन इस चीज़ को आप आसानी और बहुत जल्दी कंट्रोल में कर लेंगे जहाँ तक मोहब्बत के मामला हैं तो मोहब्बत के इस वीक में बेहतर हैं आसानियाँ दिखाई देती हैं उन लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा जिनको रोजगार के हवाले से अभी तक दुश्वारियों का सामना था और रोज़गार नहीं मिल रहा था आपके लिए कारोबारी मामला करियर के हवाले से मामला बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं बैरून मुल्क जो लोग जाने की ख्वाहिश रखते हैं इस वीक में वो अगर कोई एमरजेंसी है तो जनाब ज़रूर आप फ्लाई करें ट्रैवल करें लेकिन अगर ये थोड़ा सा डिले हो जाए तो ज़्यादा तो बेहतर है आपके लिए मुनासिब और बेहतर रहेगा इसमें ऐसा नहीं है कि दौरान सफ़र को प्रॉब्लम आएगी लेकिन वहाँ पर अगर आप इस वीक में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पहुँच कर आपके लिए कुछ मुश्किल हो सकती हैं बाकी मेरी दुआयाँ आपके साथ हैं अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्जा अमान में रखे ख्वाहिश के हवाले से यह बहुत बेहतर है कि इस वीक में शुरू किया जाने वाला कोई भी काम तेईस तारीख के बाद से आपके लिए बेनिफिशल हो सकता है अल्लाह का एक नाम है या फत्ता इसको आपने 489 दफ़ा पढ़ना है अवला आखिर चौदह चौदह दफ़ा दरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदक़ा हसब तोफ़ी लाजमी दीजिएगा और अगर ग्रहण के हवाले से नवाज आयात आप पढ़ना चाहते हैं उसका तरीका कर नहीं मालूम तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके जनजानी जंतरी बार मामिया मंगवाइए उसमें इसका तरीका कर दर्ज किया गया है आइए गुफ्तु करते हैं बुरज सुमला वर्गों के बारे में वो जो सुमला वर्गो 21 तारीख से लेकर 27 जून तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा स्क्रीन पे जाएचा आप मुलाजा फरमा रहे हैं और ग्रहण भी है 21 और 22 तारीख को ख़ास तौर पे आपने महतात रहना है इस ग्रहण के ज़्यादातर असरा किन चीज़ों के ऊपर होंगे इस ग्रहण के ज़्यादातर असर जनाब लोगों के जो समाजी ताल्लुक हैं उसमें ख़राबियाँ देखने में आ रही हैं सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा अगर आप दिलचस्पी लेते हैं तो 21 और 22 तारीख़ को आप इन दिलचस्पियों को बर मेहरबानी ख़त्म करें या तर्क कर दें या इन दिनों में आपकी कुछ और मसरूफियात होनी चाहिए फिर उसके बाद आपके जो दोस्त हैं उनके साथ आपका मिलना मिलाना रहता है दोस्तों के साथ कशीदगी इतलाफात नाराज़गी मिजाज ना मिलना अपनी मर्ज़ी करना और अपनी मनमानी करते हुए अपनी बात को मनवाने की वजह से अख्तलाफात पैदा हो सकते हैं उससे दोस्ती जो है वो आपकी ख़तरे में भी पड़ेगी अगर कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में इस वीक में शामिल होता है आपसे दोस्ती करने की ख़्वाहिश रखता है आपसे मोहब्बत का इज़हार करता है तो आपने उसकी दोस्ती को कबूल ज़रूर करना है लेकिन उस पर ज़्यादा एतमाद या भरोसा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई मतलब या लालच ज़रूर छुपा होगा जिसका फ़ायदा जो है वो आपसे लिया जाएगा किसी भी ताल्लुक़ में चाहे आप अपने दफ्तर में देखें अपने फैमिली में रिश्तेदारों में अगर आप देखते हैं कि ज़्यादातर इन दो दिनों में किसी शख्स का रुझान आपकी तरफ ज़्यादा है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है उसका तो आप समझ जाइएगा कि उसको कोई ना कोई मतलब या फ़ायदा ज़रूर होगा आपसे बड़े बहन भाइयों के साथ इख्लाफा को पैदा करेगा फिर उसके बाद कारोबारी मुनाफ़े को भी डैमेज कर सकता है अगर आपने किसी से को मुनाफा फ़ायदा कारोबारी नोयीत का लेना है तो इन दो दिनों में कुछ बेहतरी की उम्मीद मत रखिएगा अगर मिला भी तो शायद आपकी ख्वाहिश या मर्जी के मुताबिक ना हो और जो भी प्लानिंग आपने पहले से कर रखी है इस वीक के हवाले से इन दो दिनों के अंदर वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मुकम्मल होती हुई दिखाई नहीं दे रही तेईस तारीख के बाद अगर मैं देखूं तो आपके बहुत सारे मामलों में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी रहेगी स्पेशली उन लोगों के लिए जो नौकरी पेशा नहीं है तलाश में है रिस्क रोज़गार के हवाले से आसानियाँ दिखाई देती हैं फाइनेशली तौर के ऊपर तेईस से सत्ताईस तक बहुत अच्छे दिन रहेंगे कि इसमें बेनिफिट मिलेगा सक्सेस कामयाबी मिलती हुई दिखाई देती है सेहत के मामला अगर मैं देखूँ तो दरमिया हिस्सा जो है चौबीस तारीख और पच्चीस तारीख ये आपकी सेहत के हवाले से थोड़ा सा तश्वीशनाक है कि इसमें अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर रबते में रह के अपनी सेहत को आपने अच्छी तरह चेक करवा के बेहतर रखना है क्योंकि अगर बेहतर ना हुई तो आपके काम अधूरे रह जाएंगे अगर आपके बच्चों की इस दवाजी ज़िंदगी का सुख नहीं है उनकी मैरिटल लाइफ के इश्यूज आपको फ़ेस करने पड़ सकते हैं जिससे आपके घर का माहौल काफ़ी हद तक डिस्टर्ब दिखाई देता है और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि अगर आप इस वीक में कोई भी फ़ैसला करते हैं उस फैसले के ऊपर आपका कायम रहना संजीदगी के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपको आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है गुस्सा ज़रूर आएगा लेकिन गुस्से के अंदर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने अल्फाज अच्छे ज़रूर रखिएगा अगर अच्छे अल्फाज नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ सकती हैं सेहत का जैसे मैंने बताया कि दो दिनों के अलावा आपकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहेगी लेकिन इन दो दिनों में 24 और 25 तारीख को जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो एहतियात कीजिएगा क्योंकि सफ़र के दौरान कुछ दुशवारियाँ देखने में आ रही हैं रिश्तेदार आपके ऊपर मेहरबान होंगे रिश्तेदारों से इक्कीस और बाईस तारीख के अलावा जो भी बेनिफिट मिलता है वो आपको फ़ायदा दे सकता है अल्लाह ताली का एक नाम है या मतीन इसको आपने पाँच सौ दफ़ा पढ़ना है अव्वल आखिर चौदह चौदह दफ़ा दरूद पाक के साथ लाल रंग की चीज़ों का सदका इस फीक में ज़रूर अपना दीजिएगा और सूरज ग्रहण के हवाले से आप नमाज आयात पढ़ना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर एक आ रहा है उस पर आप मैसेज करके इसका जो तरीक़ाकार है वो मंगवा सकते हैं आइए बढ़ते हैं बुरज मैज़ान लिब्रा की जानब तुझे मैज़ान लिब्रा 21 जून से लेकर 27 जून तक ये वीक कैसा रहेगा और मैंने जैसे आगाज़ में बताया कि आ, सूरज ग्रहण भी है और इस हवाले से सबसे पहले क्या प्रिकॉशंस करनी हैं किन चीज़ों को ये ख़राब कर सकता है इसके ऊपर मैं सबसे पहले गुफ्तगू करूँगा और ये होगा इक्कीस और बाईस तारीख़ के हवाले से ख़ास पर आप लोगों की मुस्तकिल मिजाजी को डैमेज करेगा आपने जो भी चीज़ें सोची थी जिस तरह से आप अपनी सोच को रखते हैं पॉजिटिव दूसरों को बहुत अच्छे मशवरे देते हैं लेकिन अपनी आप को समझ नहीं आए कि हमने किस रुख जाना है क्या करना है आपकी मुस्तकिल मिजाजी को थोड़ा सा डैमेज कर सकता है फिर उसके बाद करियर के मामल के उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो सकती है जो नौकरी के हसूल के लिए दिन रात मेहनत करते हैं कोशिशें करते हैं आपकी इज़्ज़त और आपकी रिस्पेक्ट मजरू हो सकती है दूसरों के ऊपर एतबार करके दूसरों के थ्रू अपने काम करवाना और हुक्म चलाना लोगों के ऊपर ऊंची आवाज़ में गुफगु करना और दूसरों को मजबूर करना कि हमारे लिए ये काम करो और कुछ नालायक कम अक़ल भी आपको आंखें दिखा सकते हैं तो बेहतर है कि अपनी इज़्ज़त को अपने हाथ में ही रखना है और इस ग्रहण की वजह से कुछ लिब्रास की नौकरी भी जा सकती है अपने काम रोज़गार पे ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है आपका चलता हुआ काम कोई भी आपका बिज़नेस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा और डिस्टर्ब होने की वजह कोई और नहीं आपकी अपनी गलती कोताही की वजह से आपका काम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है विरासती मामला में प्रॉब्लम्स आएंगी इन दो दिनों में अगर आपकी फैमिली किसी भी विरासती मसले को हल करने की कोशिश कर रही है तो बराए मेहरबानी आप उस महफ़िल का हिस्सा मत बनिएगा अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा होंगे अजदवाजी ज़िंदगी का सुख रहेगा अजदवाजी ज़िंदगी के अंदर एसच कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है और स्पेशली पूरा वीक जो है आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा अगर कहीं पे भी आप कोई दुशारी फील करते हैं तो उनसे आप मदद तलब कर सकते हैं जो लोग शादीशुदा नहीं हैं वो अपने वालदे के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट और रिलय कर सकते हैं बहन भाइयों के ऊपर एतबार करना ये इस वीक में कुछ मुनासिब नहीं होगा कि वो शायद आपके मिजाज को बेहतर अंदाज में ना समझ पाएँ और ना ही रिश्तेदारों में से कोई ऐसा शख्स न ही दोस्तों में से दोस्त भी इस पूरे वीक में आपके लिए परेशानी का बायस बनेंगे दोस्तों के ऊपर बेजा ट्रस्ट करना आपके लिए थोड़ा बहुत नुकसानदेह हो सकता है खरीदो फरोख्त के लिए यह वीक बिल्कुल भी बेहतर नहीं है औलाद की तरफ से सुख रहेगा बच्चों की तरफ से आपको प्यार और आप भी अपने बच्चों को प्यार देते हुए दिखा, दिखाई देते हैं सेहत के मामला अगर मैं देखूँ अलहमदुल्ला बिल्कुल ठीक रहेंगे लेकिन जो बाज़ू हैं आपके बाजुओं का हिस्सा इन में कुछ थोड़ी सी तकलीफ़ पेन मसल का पुल हो जाना या मांस का फट जाना इससे कुछ थोड़ी सी पेन या तकलीफ़ हो सकती है ख़ास तौर पर सोते वक्त जो है अपने सोने का जो अंदाज है उसको दुरुस्त रखिएगा अदरवाइज़ अपने ही वज़न से आपके बाज़ुओं में पेन तकलीफ़ या बाजुओं का सो जाना बाइक चलाते वक्त आपके बाजू सो जाए गाड़ी चलाते वक्त हाथ सो जाए या पूरी काम लिखते वक्त आपके बाजुओं का सो जाना हाथों का सो जाना हाथों में पसीना बहुत आना ये इस वीक में आप लोग के साथ हो सकता है इसमें थोड़ी सी एहतियात आपने करनी है फाइनेंशियली तौर पर यह वीक अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा इस वीक के अंदर कोई भी जो ग्रहण के मामलत हैं वो तंग नहीं कर रहे आपके जो फाइनेस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बहुत अच्छे रहेंगे और आपकी जो शख्सियत है वो जितनी भी कंफ्यूज है लेकिन पुर उम्मीद है और मतमिन रहेगी अल्लाह ताला का एक नाम है या रशीदो इसको पाँच सौ चौदह दफ़ा आपने पढ़ना है अव्वल आखिर चौदह चौदह दफ़ा दरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका हसब तोफ़ी ज़रूर अपना निकालिएगा और सूरज ग्रहण के हवाले से नमाज कसूफ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ फ़ाइल मंगवा लें जनजानी जंतरी की या बारह इमामिया जंतरी की उसमें इसका तरीक़ाक दर्ज है आइए बढ़ते हैं बुरज अक्रब स्कॉर्पियो की जानेब अक्रब स्कॉर्पियो 21 जून से लेकर 27 जून तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा इस हवाले से गुफ्तु करेंगे और आगाज़ में जिस तरह से मैंने बताया कि सूरज ग्रहण भी है तो सूरज ग्रहण आपके कौन कौन से मामलों को डिस्टर्ब कर सकता है स्पेशली इक्कीस और बाईस तारीख को जिन चीज़ों में आपने थोड़ा सा एहतियात करना है जल्दबाजी की कैफियत पैदा होना चलते हुए कामों को जज्बात में आकर ख़राब कर लेना अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना अंधा एतमाद कर लेना जिसकी वजह से काम बिगड़ जाना तो कोई भी काम जल्दबाजी में करने से पहले उसका जो पेपर वर्क है वो आपके लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सिर्फ कामों की बात नहीं हो रही ये हर उस रिश्ते को निभाने के लिए भी है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुकदम है आप जिसकी बहुत ज़्यादा कदर करते हैं चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो चाहे वो वालदे हैं चाहे माँ बाप हैं या आपके बहन भाई हैं या मोहब्बत करने वाले कोई भी आपका लव पार्टनर है वालिद के साथ इख्तलाफ़ात को पैदा करेगा वालिद के साथ मिजाज को डिस्टर्ब करेगा अगर आप उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी और अपनी मनमानी करने की कोशिश करेंगे या आपके वालिद साहब जो हैं वो बिला वजह आपकी थोड़ी सी डांड डपट कर सकते हैं अगर वो ऐसा कोई अमल करें तो आपने खामोश रहना है खामोशी ही आपके लिए बेहतर है क्योंकि तेईस तारीख के बाद आप इस कैफी से निकल जाएंगे दूसरों को अपनी चीज़ें देते वक्त उनको शक की निगाह से देखना कि कहीं हमें हमारा हक वापस ना मिले कहीं हमारी चीज़ों का ग़लत इस्तेमाल ना हो जाए हालांकि पहले आप ऐसी सोच नहीं रखते थे दूसरों को बग़ैर सोचे समझे अपनी चीज़ें अपना नॉलेज जो है वो आप शेयर करते रहते हैं अगर आप किसी चीज़ के बारे में संजीदा हैं कोई अपनी इलमी काबिलियत को बेहतर करना चाहते हैं बहुत अरसे से उस पर काम कर रहे हैं तो शायद इन दो दिनों में आपका बिल्कुल भी दिल ना करे कि हम कोई काम करें इन दो दिनों में बेहतर है कि आप अपने आप को रिलैक्स करें तेईस तारीख के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपके कारोबारी मामलों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी बेहतर होंगी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी फाइनेंशियली तौर पे भी अगर इस वीक को देखूं तो ग्रहण है चीज़ें रुक रुक के हो रही हैं चाहे आपकी सक्सेस कामयाबी उस तरह से नहीं है लेकिन फाइनेंशियली मामला आपके बेहतर रहेंगे एक और अच्छी चीज़ के मसरूफ़ीत बहुत कि सुबह से लेकर रात तक किस तरह से वक्त गुजर गया इसका आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा ये उस वक्त पता चलेगा कि जब या तो आपका जिसम थक जाएगा वैसे स्कॉर्पियंस थकते भी बहुत कम हैं या आपको आपके घर वाले कहेंगे कि आप बस कर दें हमें भी कभी टाइम दे दिया करें बच्चों की तरफ से जो भी आपको फिक्रमंदी है बच्चों के साथ इस वीक में बेहतरीन वक्त गुजरता हुआ नज़र आता है लाइफ पार्टनर के साथ ताल्लुक इस वीक में बहुत अच्छे रहेंगे किसी जगह घूमने का या ट्रैवल का प्लान भी बनता हुआ दिखाई देता है कारोबारी अफराद को मुनाफा रहेगा 25, 26 और 27 तारीख को ये दो दिन बहुत अच्छे हैं कारोबारी मुनाफ़ा उठाने का अपनी ट्रांसफ़र तबादला करवाना चाहते हैं या नौकरी को तर्क करना चाहते हैं उस हवाले से ये वीक बहुत अच्छा है कि कोई ऐसा काम जिसको आप छोड़ना चाहते थे लेकिन ना चाहते हुए भी आप उसको नहीं छोड़ पा रहे थे तो इस वीक में काफ़ी हद तक आसानियाँ रहेंगी बहन भाइयों के साथ तल्लत कदर बेहतर हैं और दोस्तों के साथ भी ताल्लुकात इस वीक में कुछ हद तक बेहतर रहेंगे लेकिन दोस्त आपकी ज़िंदगी से अब आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जा रहे हैं कि उस तरह से अब आपकी ज़िंदगी में दोस्तियाँ शायद नहीं हैं जैसे कभी माजी में हुआ करती थीं तो आप अपने आप को अकेला भी महसूस कर सकते हैं या अपनी ज़ात से ही आपकी दोस्ती ज़्यादा देखने में नज़र आ रही है तो अपने आप से अगर दोस्ती रखना चाहते हैं तो अपने ऊपर एतमाद भी होना चाहिए फ़राज़ आपकी ज़िंदगी में आते हैं लेकिन आप हमेशा आगे निकलते चले जाते हैं अल्लाह तला का एक नाम है या शकूर हो पाँच सौ छब्बीस दफ़ा आपने इसको पढ़ना है अव्वल आखिर चौदह चौदह दफ़ा दरूद पाक के साथ सब्ज रंग की चीज़ों का सदका लाजमी अपना निकालिएगा और सूरज ग्रहण के हवाले से नमाज आयात पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके नमाज आयात का जो तरीक़ाकार है वो आप मंगवा सकते हैं आइए बढ़ते हैं बुरज से सेजटेरियस की जानब जो सेजिटेरियस 21 जून से लेकर 27 जून तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा इस हवाले से गुफ्तू रहेगी और स्क्रीन पर जायचा भी मुलाजा फरमा रहे हैं और नाजरीन जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि सूरज ग्रहण इक्कीस तारीख को है उस हवाले से आप लोगों ने क्या एहतियात करनी है इस पर मेरा ज़्यादा फोकस होगा इस वीक में Uh, सबसे पहली बात यह कि आपके अंदर कुछ हद तक ना उम्मीदी पैदा करेगा परेशानी भी पैदा करेगा कि आप कुछ चीज़ों को कुछ बातों को लेकर परेशान भी हो सकते हैं देखा यह जा रहा है कि कोई चीज़ नहीं भी है लेकिन फिर भी एक अनजाना सा डर खौफ बेचैनी अपने आप को बिल्कुल शिकस्त खुरदा तस्लीम करते हुए दिखाई देते हैं कि शायद हम दुनिया में सबसे बेकार किस्म के इंसान हैं और अब हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं रह गया लेकिन जनाब ये कैफियत सिर्फ दो दिन ही रहेगी उसके बाद आप इस कैफ़ियत से निकल जाएंगे और अपने ससुराल वालों के साथ ताल्लुक को भी बहुत महतात अंदाज़ में आपने निभाना है और ले कर चलना है ससुराल वालों की तरफ़ से एक हंगामा सा खड़ा किया जा सकता है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है फिर उसके बाद जो विरासती मामला होते हैं बंटवारे के ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी फैमिली अमूर के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उन पे डिस्कस होना उनका आगे क्या लाल होगा इस हवाले से गुफगु में बदमजगी होना और अचानक से आपका मूड थोड़ा सा ज़्यादा हासिल करने की तरफ चीज़ों की तरफ जाना कि मेरे पास कुछ चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए तो ये लालच आपके ताल्लुक को भी ख़राब कर सकता है हालांकि सारी ज़िंदगी आप दूसरों को देते आए हैं दूसरों को बांटते आए हैं लेकिन इस ग्रहण के बद असर की वजह से आपके अंदर ये कैफियत पैदा हो सकती है अपनी ज़ात के लिए ने अपने बच्चों के लिए आ, अपने लाइफ पार्टनर के लिए कि हमारे पास चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए हमारे जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा मिलना चाहिए तो इसमें थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा कि किसी भी किस्म की कोई बदमजगी जो है वो ना होने पाए फाइनेंशियली तौर के ऊपर ये वीक आपके लिए एक नॉर्मल वीक है बहुत ज़्यादा इसमें कोई बेहतरीन इम्प्रूवमेंट मैं नहीं देख रहा तेईस तारीख के बाद अलबतः आपके जितने भी जो काम हैं वो नॉर्मल रूटीन के मुताबिक होना शुरू हो जाएंगे और पहले के नस्बत मैं देख रहा हूँ कि अधूरे कामों को मुकम्मल करेंगे कामों में तेज़ी आएगी ज़िम्मेदारियाँ फैमिली की तरफ से भी बढ़ती हुई दिखाई देती हैं ख़ीन ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहेंगी लेकिन ख़ुतन के घुटनों में टाँगों में दर्द भी इस वीक में दिखाई देता है दूसरों के साथ अपनी दिल की बात करते वक्त मोहतात रहिएगा आपका जो राज है वह राज नहीं रहेगा अपने लाइफ पार्टनर के अलावा या बच्चों के अलावा किसी और के साथ आपको अपनी बात करने की ज़रूरत नहीं है वालद की तरफ से कुछ दिन आपको प्यार मिलेगा कुछ दिन जो है डांड डांडपट हो सकती है शुरू के दिन वाले के साथ कुछ अख्तिलाफ़ होंगे लेकिन इस वीक का अख्ताम जो है आपके ताल्लुक को बेहतर करता चला जाएगा मोहब्बत के अमूर कदरें बेहतर हैं अगर आप किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं तो इसमें मामलत काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर दिखाई देते हैं बल्कि उन लोगों के लिए ये वीक बहुत अच्छा है ख़ास तौर पर तेईस तारीख़ के बाद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई शादी के हवाले से पैगाम का मिलना शादी के हवाले से पेशरफ्त होना आ, ये इस वीक में ख़ासा रह सकता है सेहत के मामलत जैसे मैंने बताया कि खातन को घुटनों में टांगों में दर्द होगी लेकिन जो मर्द हजरात भी हैं आपने भी थोड़ा सा ख्याल रखना है सफ़र के दौरान बहुत ज़्यादा महतात रहिएगा गाड़ी चलाते वक्त ख़ास तौर पर बाइक चलाते वक्त हादसा का अंदेशा दिखाई देता है अगर कुछ ना भी हुआ तो अपनी गलती से आप कोई चलान भी करवा बैठेंगे अल्लाह ताला का एक नाम है या मुकी तो इसको आपने 550 सौ पचास दफ़ा पढ़ना है अवला आखिर चौदह चौदह दफ़ा दरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा अपना निकालिएगा और ग्रहण के हवाले से नमाज आयात अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके जंजानी जंतरी बारा इमामिया जंतरी तलब कर सकते हैं उसमें इसका तरीकाकार दिया गया है आइए बढ़ते हैं बुरजद्दी कैप्रिकॉन की जाने जद्दी कैप्रिकॉन इक्कीस जून से लेकर सत्ताईस जून तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा इस हवाले से देखने की कोशिश करेंगे जनाब सबसे पहली बात यह कि ग्रहण की वजह से जो पहले दो दिन है 21 और 22 तारीख ये आपके लिए थोड़े से डिस्टर्बिंग होंगे लेकिन किन मामला में इसके ऊपर मैं गुफ्तु करूँगा अजवाजी ज़िंदगी का मामला मैरिटल मामला मैरिटल ईशूज़ हस्बैंड वाइफ का मिजाज ना मिलना उस वजह से घर का माहौल डिस्टर्ब होना बच्चों के साथ मामला ख़राब होना कि आपके जो बहन भाई हैं वालद हैं वो आपको देख कर बेचैन होंगे आखिर इनको हुआ क्या है तो पहले दिन बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है शरकत दारों के साथ भी बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी कि आप मौका तलाश करेंगे कि हम उनके अंदर कोई खामी ऐसी ढूंढें जिसकी वजह से हमारे और उनके दरमियान आपस में हालात कशीदा हों या अपनी बात मनवाने की जो है वो मनमानी करना ये भी कैफियत आपकी पैदा हो सकती है ये वीक किसी भी काम के आगाज करने के लिए अच्छा वीक नहीं है किसी को साथ में ला चलने के लिए भी बेहतर वीक नहीं है इस वीक में आपको अपने काम अपने हाथ से ही अंजाम देने होंगे सेहत के मामला अगर देखूं तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उन लोगों के लिए थोड़ा सा एहतियात है जिनको दमे की सांस की प्रॉब्लम है चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है या ब्रेस्ट कैंसर के अंदर मुबतला लोग हैं आपको इस वीक में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है नींद डिस्टर्ब होना और बल्कि कुछ ऐसे कैप्रिकॉन्स होंगे कि जो जब फ्रेश होंगे उसके बावजूद जब काम पे जाएंगे और बहुत संजीदा होंगे उस टाइम पे अचानक से नींद आ जाना कि इस कैफियत से आपको दो चार होना पड़ सकता है कारोबारी अफराद के लिए ये वीक 24 तारीख से ऑनवर्ड बेहतर रहेगा कारोबारी अमूर में दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई देती है और उसमें फ़ायदा भी गेन करते हुए नज़र आते हैं फाइनेशली तौर पे यह वीक आपके कंट्रोल में है आपका पैसा खर्च होता हुआ दिखाई नहीं देता सेविंग की तरफ तवज्जो रहेगी मोहब्बत के मामल भी आपके कंट्रोल में हैं लेकिन अपने लव पार्टनर के साथ अवॉइड कीजिएगा पहले दो दिन में मुलाकात करने से क्योंकि इस दौरान आपस में आप दोनों का लड़ाई झगड़ा हो सकता है इवन फ़ोन पे भी अगर आपकी को बातचीत होती है उसमें भी प्रॉब्लम और उन लोगों को स्पेशली के जिनकी बहुत जल्द शादी होने वाली है और लेकिन उनकी आदत में ये शामिल हैं कि वो जब तक अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ़ के पूरे दिन का हाल ना जान लें तब तक रात को उनको सुकून की नींद नहीं आती तो बराए मेहरबानी आप लोगों ने भी थोड़ा सा महतात रहना है कि अपने इसल को कुछ दिनों के लिए अगर तक कर दें तो ज़्यादा बेहतर है वरना आपस में छोटी मोटी बात के ऊपर तल्ख कलामी जो है वो हो सकती है बच्चों की तरफ से सुख सुकून रहेगा तलब इलम उनके लिए ये फीक बहुत अच्छा है इलमी काबिलियत को मज़ीद बेहतर करने का वो लोग जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं इस हवाले से किसी हतमी नतीजे पर या फैसले पर भी पहुँच सकते हैं हज उम्र जहारात की ख्वाहिश रखने वाले अफ़राद की ये जो ख़्वाहिश है ये ख़त्म होती हुई दिखाई देती है लेकिन आपने नाउमीद नहीं होना क्योंकि आगे चल के ज़िंदगी आपको मौका देगी कि आप अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकें रिश्तेदारों के साथ मुलाकात करते वक्त थोड़ा सा महतात रवैया अपना कर रखिएगा क्योंकि रिश्तेदार जितने भी आपके हैं वो आपके लिए कुछ मामलत के अंदर परेशानी का सामान पैदा करेंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके साथ हुआ क्या है ससुराल के साथ ताल्लक को बेहतर रखने की ज़रूरत है वो हस्बैंड वाइफ जो किसी भी वजह से अख्तलाफात पैदा करके जुदाई इख्तियार करके बैठे हुए हैं आप अगर वापस रुजू करना चाहते हैं तो 25 और 26 तारीख़ इस वीक की बहुत अच्छी है कि किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से आप वापस जो है नई जिंदगी का आगाज़ कर सकते हैं दोस्त आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे पुराने दोस्तों से मुलाकात भी हो सकती है वालदेन के दोस्तों से भी फ़ायदा आपको मिलेगा और पड़ोसियों के साथ आपके जितने भी ताल्लुक हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं अगर कोई रिसर्च वर्क आप कर रहे हैं इंटरनेट बेस को काम कर रहे हैं तो इसमें अपने कंप्यूटर का जो पासवर्ड है उसको आपने ज़रूर सिक्योर रखना है सेव रखना है या प्रॉपर उसको लॉग आउट करना है कि मैं ये देख रहा हूँ कि कोई ऐसा शख्स है जो आपकी ज़िंदगी में ताक झाक करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं और आगे चल के आप क्या करने वाले हैं इसमें ज़रा थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है सेहत के मामला अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर रहेंगे सेहत के हवाले से किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम जो है वो दिखाई नहीं दे रही है अल्लाह ताला का एक नाम है या मतआली ये आपने पढ़ना है पाँच सौ इक्यावन दफ़ा अव्वल आखिर चौदह चौदह दफ़ा दरुद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर अपना निकालिएगा और ग्रहण के हवाले से अगर आप नमाज आयात पढ़ना चाहते हैं स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर मैसेज करके व्हाट्सएप पे आप वो फ़ाइल जो है वो मंगवा सकते हैं आइए बात करते हैं बुरजल्फ एकवेरीज़ की जाने बुरजे व क्यूरियस के बारे में बात करते हैं इक्कीस जून से लेकर सत्ताईस जून तक ये वीक कैसा रहेगा स्क्रीन पर जायचा भी आप मुलाजा फरमा रहे हैं और आगाज़ में जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि इस वीक में सूरज ग्रहण भी है और किन किन मामलों में आपको थोड़ा सा एहतियात करनी है इस हवाले से उसके ऊपर ज़्यादा मेरा फोकस होगा उसी पर मैं ज़्यादा गुफ्तु करूँगा ये जो वीक है बुरजदल वालों का ख़ास तौर पर आप लोगों ने एहतियात करना अपनी सेहत को लेकर सेहत के, के मामलों में कुछ थोड़ी सी खराबी पहले दो दिनों में रहेगी उस वजह से कुछ मामला आपके थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं और किसी के ऊपर अंधा एतमाद या ट्रस्ट नहीं करना ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना फाइनेशली तौर पर स्पेशली किसी को बग़ैर सोचे समझे आपने पैसे नहीं देने और इवन के आपके जो घर के मुलाज़ि हैं उनके ऊपर भी आपने संजीदगी के साथ नज़र रखनी है आपकी कोई ज़रूरी चीज़ मिसप्लेस हो सकती है सामान आपका गुम सकता है चोरी हो सकता है ख़ोतन से ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट है कि शॉपिंग करते वक्त जो भी चीज़ परचेज़ करती हैं उनको अच्छी तरह चेक कर लें बेहतर चेक कर लें बाद में घर आके पछतावा ना हो या कोई नुकसान जो है वो भी हो सकता है या ये भी हो सकता है कि आपने जो चीज़ ख़रीदी वो वहीं पे भूल आए क्योंकि जहन इस वीक में आपका बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहेगा एक अनजाना सा डर खौफ बेचैनी की कैफियत में मुबतला दिखाई देते हैं कि ऐसा रोग जो बाहर तो नहीं है लेकिन अपने दिल को आप कोई रोग लगा लेंगे कि पता नहीं क्या होने वाला है जिनको शुगर है ब्लड प्रेशर है ऐसी बीमारी जिसमें बहुत अरसे मुबतला है आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो लोग जिनकी भी नई नई नौकरी हुई है रोज़गार है आपने महताज तरीके से चलना है आपका रोज़गार ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है और अपने कामों को ख़ुद ही संजीदगी के साथ तवज्जो के साथ आपने करना है जैसे कि मैं पहले भी अर्ज़ किया था कि किसी के ऊपर अंधा एतमाद ट्रस्ट करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है वो लोग जो आपके साथ मिलकर काम करते हैं आपके कलीग्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना भी आपके लिए बेहतर नहीं होगा मुकदमेबाजी कोर्ट कचहरी के, के मामलों लीगल मैटर्स जो हैं इसमें भी संजीदगी से तोज् दीजिएगा अपने लीगल एडवाइज़र्स के साथ आपने अपना मुशावरत का जो अमल है उसको जारी रखना है क्योंकि उनकी गफलत की वजह से आपको मुकदमेबाजी में शिक्ष का सामना भी करना पड़ सकता है तेईस तो तारीख के बाद अलहमदिल्ला आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी अजदवाजी ज़िंदगी का सुख दिखाई देता है अलबतः आपकी तबीयत में कुछ हद तक खामोशी या ग़ुस्से पहलू भी नज़र आता है और वो गुस्सा ऐसा है कि पहले तो आप किसी पे निकालेंगे नहीं जब निकलेगा इतना ज़्यादा निकल जाएगा कि आप परवाह भी नहीं करेंगे कि इसका ताल्लुक़ जो है उस रिलेशन का आपके साथ क्या है ख़ास तौर पर बड़ों का अदब लिहाज बहुत ज़्यादा करना है और बड़ों के साथ इतना ज़्यादा बाखलाक बाएखला, होकर आपने चलना है कि किसी भी शख्स को मौका ना मिले आपको ये कहने का कि आपने अख्लाक का दामन जो है वो अपने हाथ से छोड़ दिया था बैरून मुल्क जाने वाले अफराद बसानी बैरून मुल्क जा सकेंगे उसमें आसानी है हसूल इमिगेशन या वीज़े के हसूल के लिए आसानियाँ रहेंगी ख़रीदो फ़रोख के लिए तेईस तारीख़ के बाद बहुत सारे मौाक़ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ऑनलाइन ट्रेडिंग बिजनेस करने वाले अफ़राद को इस वीक में फ़ायदा हो सकता है और फैमिली अमूर में दिलचस्पी भी लेते हुए नज़र आते हैं और इसके साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहन भाइयों के साथ ताल्लुक में भी काफ़ी हद तक बेहतरी रहेगी तेईस तारीख से लेकर सत्ताईस तारीख तक के आपस में एतमाद का जो माहौल है वो काफ़ी खुशगवार दिखाई देता है आपकी अपनी शख्सियत को अगर मैं देखूं जैसे बहुत सारी बातें मैंने बताई लेकिन इस वी के अख्ताम तक आपकी शख्सियत के अंदर जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है मोहब्बत के अमूर में दिलचस्पी रहेगी मोहब्बत के मामलों में फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है और वो लोग जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई आप लोगों के लिए भी इस वीक में काफ़ी हद तक बेहतरी के चांसेस रहेंगे सफ़र का प्लान प्रोग्राम बन सकता है अल्लाह ताला का एक नाम है या बाईस हो फाइव सेवेंटी थ्री टाइम्स आपने इसको पढ़ना है और सब रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में अपना ज़रूर निकालिएगा सूरज ग्रहण के हवाले से नमाज आयात अगर पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर आप मैसेज करें और नमाज आयात का तरीक़ाकार मंगवा सकते हैं आइए बढ़ते हैं बुरजहूद पाइसिस की जानब बुरजहद पाइसिस इक्कीस जून से लेकर सत्ताईस जून तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा इसक्रीन पर जाएचा आप मुलाजा फरमा रहे हैं और इस वीक के आगाज़ में जिस तरह से मैंने बताया था कि सूरज ग्रहण है और सूरज ग्रहण के क्या असर रहेंगे आपकी ज़िंदगी में इस हवाले से थोड़ा सा मैं ज़्यादा गुफ्तु करूँगा सबसे पहली बात यह कि वो लोग महतात हो जाएं जो मोहब्बत के मामलों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं अपने महबूब को जो है वो छुप छुप कर देखते हैं या उनके मैसेज के आने का इंतज़ार करते हैं और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम उनसे गुफ्तगु करें या हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा बने इक्कीस और बाईस तारीख जनाब इस हवाले से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कि अगर इन दो दिनों में आपको अपने लव पार्टनर से कोई भी तो है और वो उस पर पूरा ना उतरें तो अंदेशा ये है कि आपका यह ताल्लुक़ ख़त्म हो सकता है तो बेहतर है कि इन दो दिनों में अवॉइड कीजिएगा एक दूसरे से मिलना हो मुलाकात करनी हो या गुफ्तु करनी हो और अपनी फैमिली के मामलत में ज़्यादा दिलचस्पी लेना आपके लिए कदर बेहतर रहेगा फिर वो लोग जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके बच्चों की हेल्थ ख़राब होना उनकी सेहत की वजह से परेशान होना या उनकी अपनी तालीम की तरफ दिलचस्पी ना होना उनके अंदर ज़िद का पहलू बहुत ज़्यादा आ जाना ये भी आपके लिए थोड़ा सा परेशान कन हो सकता है स्टॉक शेयर्स में दिलचस्पी रखने वाले अफरा मोहतात रहें नुकसान का अंदेशा है ऑनलाइन ट्रेडिंग बिजनेस करने वाले अफराद भी इन दो दिनों में बहुत ज़्यादा मोहतात रहें आपके लिए भी नुकसान दे प्रोसेस रहेगा कि अगर किसी ने कोई बुक किया है वो वापस या रिटर्न आपको करना पड़ेगा तो इन दो दिनों में ज़्यादा एक्टिविटी अपने कारोबारी मामला के ऊपर ना रखिएगा तेईस तो तारीख के बाद अलहमदिल्ला चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में और बेहतर होना शुरू हो जाएंगी दोस्तों का बिला वजह आपके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना और आपको कम अकल या इज्जत कम देना यह भी आपके लिए परेशानी का बायस हो सकता है तो दोस्तों के ऊपर बेजा ट्रस्ट इहसार करना आपके लिए नुकसानदेह रहेगा ख़रीदो फरोख में दिलचस्पी रखने वाले अफ़राध भी मोहतात रहें धोखा का अंदेशा है फ़ाइनानशली तौर के ऊपर चीज़ें कुछ इतनी ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रहेंगी अखराज ज़्यादा इस वीक में होते हुए नज़र आते हैं अलबत् अजदवाजी ज़िंदगी का सुख ज़रूर रहेगा कि वाहद एक वही शख्स होगा जो आपके लिए हमदर्द भी होगा आपके लिए अच्छा एडवाइज़र भी होगा आपकी दिल की बात को भी समझ आएगा और हमेशा आपके लिए तैयार रहेगा कि जहाँ जहाँ पे आप परेशानी महसूस कर रहे हैं उस परेशानी को कम किया जाए आपके वालदान भी आपके साथ बेहतर रहेंगे लेकिन वाल साहब ख़ास तौर पर थोड़े से मैं देख रहा हूँ गुस्से में दिखाई देते हैं उनकी तरफ से जो फ़ायदा आपको मिलना है या जो दुआएँ मिलनी हैं जो सपोर्ट मिलनी है उसमें ज़्यादा कुछ इतनी बेहतरी नहीं है रिश्तेदारों की तरफ से बदमजगी हो सकती है रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है जो आपके लिए बेहतर रहेगा अगर आप किसी ज़रूरी काम से कहीं जाते हैं फ़ायदा ज़रूर होगा के सफ़र कर करके आपके रिस्क में थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू होगी या सैर तफरी का भी अगर प्लान बनता है आपका फैमिली मेंबर्स के साथ दोस्तों के साथ बिल्कुल मत बनाइएगा क्योंकि सिवाय वक्त के ज़्या के या पैसे के जया के और कुछ हासिल नहीं होगा और जहनी सकून भी डिस्टर्ब होगा उन लोगों के लिए भी जिन्होंने खुफिया शादी कर रखी है या किसी खुफिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं और उस चीज़ का इल्म आपकी फैमिली को नहीं है आप लोगों की जहनी कैफियत इस वीक में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई देती है अपने मज़हब के बारे में तो जो दिलचस्पी आप लोगों के अंदर थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी और मख्ी ललूम में दिलचस्पी रखना अगर कोई रूहानी वज़ाइफ़ कर रहे थे उनको एकदम से छोड़ देना दरगाहों पर जाने का जो शौक आपको था वो एकदम से ख़त्म हो जाना बिल्कुल लाइफ आपकी इस वीक में चेंज होती हुई दिखाई देती है आपका सोचने समझने का अंदाज़ काफ़ी हद तक मुख्तलिफ दिखाई देता है सेहत इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहेगी हेल्थ के हवाले से ऐसी कोई परेशानी जो है वो देखने में नहीं आ रही मुकदमेबाजी के हवाले से अगर आपके कोई कानूनी मामला चल रहे हैं उसमें संजीदगी के पहलू को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अल्लाह ताला का एक नाम है या मुंतकम इसको आपने पढ़ना है जनाब छः सौ तीस दफ़ा अबलाखिर चौदह चौदह दफ़ा दरूद पाक के साथ और सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर दीजिएगा नमाज आयात सूरज ग्रहण के लिए जो पढ़ी जाती हैं आप पढ़ना चाहते हैं उसका तरीका तरीक़ाक नहीं मालूम तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके उसका तरीका तरीक़ाकार मंगवा सकते हैं एक यू जैम स्टोन का बाकायदा आगाज हो चुका है आपको असली ओरिजिनल अगर स्टोन्स चाहिए आप एक यू जैम स्टोन की टीम जो हर वक्त इसमें मेहनत कर रही है आप उनसे हासिल कर सकते हैं और इल्म नजूम पे दिलचस्पी रखने वाले अफ़राध्रॉलोजी की क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं जो कि जनवरी 2021 से बाकायदा आगाज़ उनका हो जाएगा आप उस हवाले से इन्फॉर्मेशन लें स्क्रीन पे जो नंबर है इसके ऊपर कॉल करके मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज।